हे एवरीवन, समलपुरी किचन उत्सव में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हो ये कौन सा साग है, ये हमारे ओडिशा में मिलता है गाइस, संबलपुर में खास करके मिलता है। ये जंगल का साग है, जंगली साग जंगल में मिलता है। इसका नाम है भदभदिया साग। तो इसको हम ऐसे साफ करते हैं, देख सकते हो मैं कैसे साफ कर रही हूँ। इसको ऐसे लेके मतलब ऐसे साफ किया जाता है, देख सकते हो उसका जो मतलब जो, और इसको एक जगह पे ऐसे रख के फिर मैं इसको पानी में धो दूंगी। तो चलिए कैसे बनाती हूँ मैं देखते हैं। तो गाइस अभी मैं इसको धो रही हूँ, ऐसे अच्छे से धो देना चाहिए क्योंकि जो डस्ट वगैरह होता है वो पानी से निकल जाता है, फिर साफ हो जाता है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं खाने के लिए तो पहले साफ सुथरी मतलब करके ही खाना चाहिए। तो इसको मैं पानी बॉयल करके पहले से ही रखी थी, तो उसी पैन बॉयल हो गया, पानी बॉयल हो गया। तो इस पर हम डाल रहे हैं गाइस, मेरा ओडिशा का लैंग्वेज ओडिया है तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होता है मतलब। तो बॉयल हो गया अच्छे से, मतलब उबाल आ गया पानी में और साग का कलर थोड़ा सा मतलब चेंज हो गया। तो जैसे चेंज हो जाता है ना साग का कलर, वैसे हम इसको रोक देते हैं। फिर ये जो पानी है ना इसको छान के मतलब साग को अलग और पानी को फेंक देते हैं। तो ऐसे मतलब साग का कलर एकदम जब चेंज हो जाएगा, अच्छे से जब गर्म हो जाएगा ना, बॉयल हो जाएगा, तो इसको हम अलग कर देंगे। इसके लिए हम ये मेरे ओडिशा का इसको बोलते हैं बड़ी, और वो लहसुन है, सूखी मिर्च है, प्याज इस पे है, चार प्याज छोटे छोटे टुकड़े में पीसेस पीसेस में मतलब कट के रखी हूँ मैं, और एक था टोमेटो। तो इस पे गया ये ऑयल, सरसों का भी ले सकते हो आप लोग और रिफाइंड का भी ऑयल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल। तो इस पे हम जो बड़ी है उसको हम मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मतलब फ्राई कर लेंगे जब तक ये रेड रेड ना हो जाए। ये मेरे ओडिशा में बहुत ज़्यादा मिलता है गैस और बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। हम हर एक साग में मतलब इसको हम डालते हैं। जो आप सभी मतलब ऐसे ट्राई करना, या फिर कभी कभी ओडिशा आओ हम आपको खिलाएंगे। तो उसी तेल में मैं इस पर डाल रही हूँ सरसों में गया अभी सूखी मिर्च, फिर लहसुन, उसके बाद जाएगा प्याज। तो इस सबको हम अच्छे से अभी भून लेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा जब लाल हो जाएगा इसमें फिर हम साग डालेंगे। तो कैसे कर रहे हो आप सभी लोग देखिए, और हो सके तो जरूर आप घर पे ट्राई करना अगर मिलेगा तो, नहीं तो अगर आप कभी ओडिशा मतलब आओगे घूमने के लिए तो जरूर हम खिलाएंगे आपको हमारा ओडिशा वाला ये एक स्वादिष्ट और पौष्टिक साग, टेस्टी और यम्मी वाला। तो प्लीज गाइस सब लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा करने के लिए, क्योंकि नहीं तो अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप सभी लोग तो फिर मेरा जो ये न्यू वाला मेरा जो ओडिशा का जो खाना है आप सभी के पास कैसे आएगा। तो इस पे गया अभी स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक ज्यादा होगा तो ज्यादा, कम होगा तो कम, उसी प्रकार से हम नमक डालते हैं। तो अभी इसको मैं अच्छे से भून लूंगी जब तक उसका जो थोड़ा बहुत कच्चापन है ना वो मतलब निकल जाएगा तब तक। उसके बाद इस पे मैं डालूंगी टोमेटो मैंने लिया है दो, इसको अभी मैं कट कर दूंगी छोटे छोटे टुकड़े में, फिर उस पर मतलब जाएगा। देख सकते हो गाइस कितना अच्छा दिख रहा है और इतना ज्यादा मस्त वाला, जो क्या बोलो गाइस, पानी तो वैसे भी निकल रहा है मुंह से जब, क्योंकि हम ओडिशा वाले ज्यादातर साग खाते हैं और फखाल भात खाते हैं। तो ये गया टोमेटो, और टोमेटो को मैं अच्छे से अभी साग में जब तक ये मेल्ट ना हो जाए, एकदम मतलब मेल्ट ना हो जाए तब तक मैं साग में टोमेटो को भूंज लूंगी, फिर उसके बाद इसको मैं अलग कर दूंगी और हम खाएंगे और क्या। तो मेरे न्यू वीडियो के लिए आप सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना मेरे चैनल को। तो गाइस मेरा साग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अभी हम इसको निकाल के भात के साथ खाएंगे।